जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, फिर से आपके लिए शाम तक का ताजा सरसों का रिपोर्ट लेके आ गया हूँ। हम लोग जानने वाले आज किस मंडी में शाम तक के भाव में सरसों में कितनी तूफानी तेजी रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी लगातार सरसों का जो भाव है एक उच्चतम स्तर पे चला गया दोस्तों। लगातार अच्छे भाव में अभी सरसों बिक रही है दोस्तों। और अगर ग्वार का बात करें तो ग्वार ने तो सारे रिकॉर्ड पार करके 12,000 का रिकॉर्ड भी ग्वार ने तोड़ दिया है। आज 12,000 का भाव भी ग्वार बिका है इलाहाबाद की मंडी में। हम लोग आज जानते हैं कि सरसों किस भाव में बिका है, शाम तक के भाव में कितनी तेजी देखेगी। जब से कि हम सभी जानते हैं प्रमुख मंडी में आज क्या भाव रहा, हम लोग कुल मिलाकर जाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सरसों एवं ग्वार का पल पल का अपडेट जानने के लिए। रौतसर में आज जो सरसों का जो भाव रहा है 7566 रुपए क्विंटल, भुना में 7050 रुपए क्विंटल, सिरसा में 7125 रुपए क्विंटल, संगरिया में 7222 रुपए क्विंटल, खाजूवाला में 7000 रुपए क्विंटल से 7280 रुपए क्विंटल, नोहर में 6800 रुपए क्विंटल से 7300 रुपए क्विंटल तक। नहीं दोस्तों, ग्वालियर की मंडी में 7500 रुपए क्विंटल से 7650 रुपए क्विंटल तक, मुरैना की मंडी में 7325 रुपए क्विंटल, बरवाला में 7350 रुपए क्विंटल से 7360 रुपए क्विंटल तक, हिसार मंडी में 7300 रुपए क्विंटल से 7325 रुपए क्विंटल तक, चरखी दादी में 7400 रुपए क्विंटल से 7500 रुपए क्विंटल तक, भरतपुर की मंडी में 7620 रुपए क्विंटल, गंगापुर सिटी में 7600 रुपए क्विंटल, अलवर कोटा शमशाबाद दिगनेर सलोनी प्लांट में एवरेज भाव 8600 रुपए क्विंटल रहा है। हाईएस्ट भाव सबसे ज़्यादा यहीं पर रहता है, हम सभी जानते हैं। तो अलवर कोटा शमशाबाद दिगनेर 8600 रुपए क्विंटल, और राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8200 रुपए क्विंटल से 8225 रुपए क्विंटल तक, भारत की राजधानी दिल्ली में 7750 रुपए क्विंटल, गंगानगर में 7350 रुपए क्विंटल, हापुड़ में 7800 रुपए क्विंटल, अलवर में 7750 रुपए क्विंटल, केकड़ी में 7200 रुपए क्विंटल से 7700 रुपए क्विंटल। ये रहा कुछ शाम का ताज़ा सरसों का भाव एवं अपडेट। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आगे सरसों का भाव कहाँ तक जाएगा, क्या 10,000 का आंकड़ा को सरसों पार कर पाएगा या नहीं। बहुत दिनों से सवाल उठ रहा है कि क्या 10,000 का भाव सरसों जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, 10,000 का भाव सरसों जा सकता है एक या दो महीने के बाद, क्योंकि त्योहारी सीजन अब धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है। तो देखिए आगे अगर डिमांड बढ़ता है ग्वार की तरह, जैसा कि ग्वार में 5,000 का भाव था आज से 2 या 3 दिन पहले, अभी देखिए 12,000 का भाव भी पार कर चुका है। तो कहीं अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा तो सरसों का भी भाव है 10,000 का भाव ऑटोमेटिकली टच कर लेगा। और बाकी आपको जानकारी मैं तो देते ही रहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल पल का रिपोर्ट सरसों ग्वार का आपको मिलता रहे। धन्यवाद।